सैंसपुर थाना पुलिस ने चरस के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 2.5 किलो चरस बरामद की गई। खास बात यह है कि चरस की खेप किसी लग्जरी कार या मोटरसाइकिल में नहीं बल्कि एक प्राइवेट बस में लाई जा रही थी। मामले का खुलासा करते हुए विकास नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि सैंसपुर थाना पुलिस को बस से नशे की खेप पहुंचाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुरोला से देहरादून आ रही बस की तलाशी ली गई। दिलचस्प बात यह है कि नशे की यह खेप बस में बड़े ही शातिराना अंदाज में ड्राइवर सीट के नीचे टूल बॉक्स में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने बस को सीज करते हुए चरस तस्करी के आरोप में बस के चालक परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुरोला से देहरादून की ओर आ रही एक बस को चेक किया गया तो उसके चालक व परिचालक द्वारा एक केबिन बनाया गया था जिसके अंदर से 2 किलो 580 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसमें चालक जो है नसीम, जो कि विकास नगर जीवनगढ़ का रहने वाला है, तथा परिचालक तालिब, जो कि रीठा मंडी देहरादून का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और नित्य प्रति इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।